taking me home. What they really do want. Say that you don't wish, but I don't know. Hello guys and welcome to my YouTube channel once again. So आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्रिला SR 150 के बारे में, जो कि मेरा खुद का है और मैंने उसको परचेज किया था आपका 2017 नवंबर महीने में। तो तब से अब तक मतलब क्या रिव्यू है इसका, क्या क्वालिटी है इसकी, तो आज हम लोग वो सब बात करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्कूटी का एक मतलब सिनेमेटिक व्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। तो गैस मैंने इसको खरीदे हुए कम से कम आपका 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में मैंने आपका चला लिया इसको 16,768 किलोमीटर और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसको मीटर को मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और इसको मैंने चेंज भी नहीं किया, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रिकॉर्ड है। तो गाड़ी मतलब इतना ही चल चुका है अभी तक। सो गाइस सबसे पहले हम लोग अपना प्रॉब्लम जो मिला था उससे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे पहला प्रॉब्लम मिला था ये जो रिम है, रिम जो पहले वाला रिम आता था वो मतलब क्या होता है कि उससे मतलब बहुत आवाज़ निकलता था, तो उसको कंपनी की तरफ से मतलब रिप्लेस कर दिया गया। तो क्योंकि वो उस प्रोडक्ट में मतलब कुछ डिफेक्ट मतलब था, इसलिए मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये प्रॉब्लम मतलब मेरा आराम से मतलब सॉल्व हो चुका था, तो उसमें कुछ मुझे मतलब दिक्कत मिला नहीं। तो अभी हम लोग चलते फिर दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जो मुझे मिला था। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे मिला था वो था हेडलाइट का प्रॉब्लम। इस पर कुछ मतलब हेडलाइट का ऐसा कुछ आया था कि इसमें मतलब पूरा भाप बना रहता था और ये मतलब जो इसका जो आप देख सकते हो ये ग्लास है, ये मतलब पूरा भाप से मतलब भरता था मतलब। तो इसका मतलब जो आपका जो पावर है वो मतलब सही नहीं मिलता था, तो उसको भी मतलब कंपनी की तरफ से मतलब इसको एक्सचेंज कर दिया गया या फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो उसमें भी मुझे कुछ दिक्कत मतलब आया नहीं। तो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी माइलेज की तरफ। जैसे कि एवरेज इसका जो है मुझे मिलता है 35-40 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप ज़्यादा मतलब रफ चलाते हो तो जैसे कि 100-110 ऐसे चलाते हो तो आपका माइलेज मतलब बहुत ही कम आने वाला है, तो उसमें आपको 35 या फिर 36 ऐसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आराम से अगर इको मोड पे या फिर आप 60-50 ऐसे चलाते हो तो आपको इस पर जो माइलेज है वो 40 मिलने वाला है बिल्कुल। तो गाइज दूसरा पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि इसका सर्विसिंग कॉस्ट, जो सर्विसिंग कॉस्ट है उसका वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, इतना मतलब हाई प्राइस नहीं है, इतना मतलब लो भी नहीं है। जैसे कि आपको मतलब एक सर्विसिंग आपको फ्री मिलता है और दूसरा सर्विसिंग जो है उसको आपको पेड होता है। तो गाइज अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसा है, मतलब आपका जो ये प्राइस रेंज है उसके अंदर में ये मतलब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है, तो भाई इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त वाला क्वालिटी है, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रीमियम लगता है देखने में। आपका जो प्राइस है उसमें मतलब ये बिल्कुल मतलब सही है, इसका मतलब कुछ इशू नहीं है ऐसा। सो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखोगे इसको तो जो इंडियन मार्केट है स्कूटर का, इंडियन मार्केट में मतलब ये नंबर वन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो पावर डिलीवरी है, इसका जो आपका टॉर्क है, इसका जो आपका है वो मतलब बाकी स्कूटर जो है उनमें से मतलब ये सबसे मतलब ज़्यादा है और ये मतलब ज़्यादा दौड़ता भी होता है और इसका टॉप स्पीड भी मतलब बाकी स्कूटर जो है इंडियन मार्केट में या फिर स्कूटी बोल सकते हो उन सबसे मतलब ये ज़्यादा है। तो गाइस दूसरा पॉइंट जो है मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ, इसका जो ब्रेकिंग पावर है, ये ब्रेकिंग पावर इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका ब्रेकिंग का जो क्वालिटी है बिल्कुल मतलब बढ़िया है। अगर किसी भी स्कूटर को अगर आप देखते हो तो उसका ब्रेकिंग इतना खास नहीं होता है, लेकिन इसका ब्रेकिंग बहुत ही मस्त है क्योंकि इसका टायर भी मतलब थोड़ा सा बड़ा है और इसका अंदर में डिस्प्ले भी है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका ब्रेकिंग जो है वो मतलब बहुत ही बढ़िया आता है। सो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, आप देख सकते हो इस पे जो है ये फ्रंट फॉर्क जो है ये मतलब इतना ठीक नहीं है और आपका जो बैक साइड का जो आपका सस्पेंशन है वो भी मतलब इतना सही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसका जो राइडिंग है वो मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। हाईवे की बात करो तो हाईवे में ये सही है, उसमें कुछ मतलब इशू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप
खराब रास्ते पे जाते हैं तो इसमें मतलब ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। इसका जो लाइट है उसका मतलब जो आपका पावर मिलता है वो मतलब बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है या फिर वो इनफ नहीं है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा, आप मेरे बातों से अगर आप सहमत है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आपको ये स्कूटर कैसा लगता है या फिर आपके पास ये स्कूटर है तो आपको क्या मतलब क्या इशू आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या लगता है आपको चला के, आप ज़रूर करें। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं फिर हम लोग दूसरे वीडियो में।